कुछ दिन आप पहले आप लोगों ने देखा होगा कि नागा समस्या के बारे में काफी हम लोगों ने बात भी की थी आपकी, और ये हमेशा करंट में बना रहता है टॉपिक। तो इसके बारे में जानने से पहले एक बार हम लोग नागालैंड की स्थिति जान लेते हैं, कहाँ बात की जा रही, किस राज्य के बारे में बात की जा रही है। आप सभी लोग जानते होंगे कि ये पूर्वी राज्य है नागालैंड, ठीक है। ये हमारा एशिया है, इसमें आप देखेंगे हमारा प्यारा भारत, ये है हमारा प्यारा भारत। इसमें आप जाएंगे तो आप देखेंगे ये आपका पड़ोसी श्रीलंका हो गया, ठीक है, ये बांग्लादेश हो गया आपका, नहीं दिखाई दे रहा है, मैं दिखाऊंगा आप लोगों को। देखिए ये बांग्लादेश आपको दिखाई दे रहा है, ये म्यांमार जिसे आप लोग पहले बर्मा के नाम से जानते थे, ये भूटान हो गया, नेपाल हो गया, ये आपका दोस्त पाकिस्तान हो गया, अफगानिस्तान हो गया, अफगानिस्तान हो गया, अफगानिस्तान और चाइना। पाकिस्तान को दोस्त भली कहते हैं हम लोग, लेकिन ये दोस्ती के नाम पर एक तरह से आजकल के दोस्तों की परिभाषा अच्छी तरह से देता है, एक तरह के मतलब ही, एक तरह के आप जो भी कहना होगा आपको, ठीक है। इसके बाद आपको नागालैंड देखने को मिलेगा, ए कहाँ, ए है आपका, देखिए नागालैंड, ठीक है। ऊपर आपको देखने को मिलेगा ए, आपको यहाँ अरुणाचल प्रदेश, ये असम है, और ये मणिपुर है, ठीक है। और यहाँ आपको देखने को मिलेगा म्यांमार, ठीक है, ये म्यांमार लगा हुआ है। तो इसकी राजधानी कोहिमा देखने को मिलेगी, और इसमें आप देखेंगे इसके अगर गठन की स्थापना की बात करूं तो 1 दिसंबर 1963 को इसकी स्थापना हुई थी, ठीक है। और यहाँ आपको विधानसभा सीटें देखने को मिलती हैं 60, राज्यसभा सीट 1, लोकसभा सीट 1, ठीक है, क्योंकि कई बार पूछ लेता है लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा सीटों के बारे में भी आप देखते हैं। ये उत्तर पूर्वी भारत है, ठीक है। इसकी सीमा की बात करें, ये क्वेश्चन हमेशा बनते रहे हैं कि कोई राज्य अगर चर्चा में तो उसकी सीमाओं के बारे में जरूर याद रखा करिएगा, किस किस राज्यों से इनकी सीमा लगती है। तो इसकी सीमा आपको देखने को मिलेगी असम से, पश्चिम में आपको असम देखने को मिलेगा, देखिए इस तरफ, ये है असम आपका। और उत्तर में अगर बात करें तो यहाँ आपका अरुणाचल प्रदेश है, और पूर्व में आपका बर्मा यानी कि इसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा म्यांमार से लग रही है, ठीक है। और नीचे आपको देखने को मिलेगी मणिपुर, ठीक है, याद रखिए इसके बारे में। अब इसी इसी राज्य में आप देखते हैं नागा समस्या देखने को मिलती है। NSCNIM द्वारा भारतीय संविधान पुनः अस्वीकृत कर दिया गया है। एक बात आप लोगों से, अभी कुछ ही दिन पहले आप लोगों ने NCERT बुक्स पढ़ रहे थे, हम लोग जब कवर कर रहे थे आपकी, तो आपने देखा होगा कि राष्ट्रवाद एक चर्चा में शब्द काफी रहा था उस समय, हम लोगों ने काफी विस्तार से राष्ट्रवाद पर चर्चा की है। और ये आप देखते हैं कि जब से 2014 से न्यू गवर्नमेंट आई हुई है, नई सरकार आई हुई है, ये काफी एक तरह से राष्ट्रवादी बात करती है, राष्ट्रवादी होने का। तो देखिए इनका अलग नजरिया है राष्ट्रवाद होने का, और हमारा जो असल में राष्ट्रवाद है वो अलग बात है। आप सोचिए कि संविधान को ये अस्वीकृत कर रहे हैं, तो आप कह सकते हैं आप लोग कि संविधान हमारा राष्ट्रवाद को जोड़ने का एक कड़ी है, एक आधार है। आप सोचिए कि हमें, देखिए हो सकता है कि हमें प्रधानमंत्री में भरोसा ना हो, समझ रहे हैं, हमारे मन का प्रधानमंत्री ना हो, लेकिन हमें संविधान में भरोसा है। आप देखेंगे दक्षिण भारत हो, उत्तर भारत हो, पूर्वी भारत हो, कहीं भी हो, आपको संविधान को हर कोई मानता है। तो एक तरह से आप कहिए कि हमारी राष्ट्रवाद की कड़ी संविधान है, लेकिन इसी संविधान को आप देख रहे हैं कि ये लोग नकार रहे हैं, नागा लोग क्यों नकार रहे हैं, ये अलग से अपना देश बनाने की बात करते हैं। ये बात आपने देखी है 1947 में जब आजाद हुए हम लोग, तब अंग्रेजों द्वारा कहा गया, कई देशों के द्वारा कहा गया ये बात कि भारत 2 से 3 साल में कई टुकड़ों में बट जाएगा, ये हकीकत थी उस समय की। क्यों हकीकत थी? क्योंकि आप देखेंगे हमारे यहाँ विभिन्न धर्म समूह के लोग देखने को मिलेंगे, कई भाषाएं बोलने वाले लोग मिलेंगे, तो इन्हें देखकर लोग, उन्हें लगता था कि बहुत दिन तक हम लोग टिक नहीं सकते। लेकिन आप देख सकते हैं कि हमारे जो भी संविधान निर्माता रहे हैं, उन्होंने इस तरह से उस संविधान को बनाया कि आज भी हम लोग देखते हैं कि सब जुड़े हुए हैं, इतना समय गुजरने के बाद भी, ठीक है। नागालैंड में पृथक देश की मांग करने वाले पृथकतावादी वादी समूह नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालिम ईसाक मुइवा है, जिसे संक्षेप में आप लोग NSCNIM के नाम से भी जानते हैं, के प्रमुख हैं टी मुइवा ने हाल ही में एक बार फिर कहा है कि भारत सरकार के साथ चल रही शांति वार्ता, उनका संगठन
अलग झंडे और संविधान की मांग पर कोई समझौता नहीं करेगा। नागा कभी भारत का हिस्सा नहीं बनेंगे और ना ही भारतीय संविधान स्वीकार करेंगे। तो इनके एक तरह से प्रमुख को नाम भी याद रखना है आपको, क्योंकि कई बार पूछ लेगा, आपका वनडे एग्जाम में भी पूछ सकता है, और वैसे भी आपको सामान्य जानकारी के लिए भी मालूम होना चाहिए। नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड इजाक मुइवा के महासचिव ने मांग की है कि नागा शांति वार्ता किसी तीसरे देश में आयोजित कराई जाए। एक तरह से आप कहिए, ये संभव है क्या? सीधा सा कहने का मतलब है कि हमारे अंदर का मामला, हम कहेंगे आगे जाके हम कहेंगे किसी और देश में इसे सॉल्व करवाए, तो ये तो हमारे देश की एक तरह से हमारे परिवार का कोई मामला है, समझ रहे हैं? और हम जाके कहें कि चलिए दूसरे गांव में जाकर इससे समझौता करते हैं, तो बाहर वाले मजे लेंगे। इसी तरह आपने देखा होगा कि कश्मीर के मुद्दे पर बहुत आवाज उठी, लेकिन सरकार ने कुछ नहीं माना, क्योंकि हमारा आंतरिक मामला है, कुछ भी कर सकते हैं हम लोग। लेकिन इनकी एक तरह से मांग ही अनुचित है कि दूसरे देश में जाकर हम लोग समझौता करें। चूंकि NSCNIM ग्रेटर नागालैंड को एक पृथक देश के रूप में देखता है, अतः उसने प्रधानमंत्री कार्यालय से अपने इस मांग का स्पष्ट जवाब मांगा है कि, और साथ ही नागालैंड में निजातीय समूह द्वारा किए जाने वाले विप्लव को दूर करने के लिए नागा शांति वार्ता में भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रत्यक्ष भागीदारी की भी मांग की है। इन सभी मांगों के पीछे मुख्य व्यक्ति मुइवा है, जो स्वघोषित नागा सरकार के प्रधानमंत्री हैं और पिछले कुछ दिनों में नागा पृथकतावाद से जुड़े मामलों पर अधिक सक्रिय भी हुए हैं। उनका मानना है कि उनका समूह नागा समस्या को भारत के आंतरिक कानून व्यवस्था का विषय नहीं बल्कि एक राजनीतिक मुद्दे के रूप में देखता है। मुइवा ने हाल ही में एक बार फिर से भारत सरकार और नागा विद्रोही समूहों के बीच 2015 में हुए हैम्बर्ग एग्रीमेंट का हवाला देते हुए पृथक नागा संविधान, झंडे, राजचिन्ह या फिर प्रतीक और अर्चिन्ह या फिर निशान की मांग की है। ऐसे में किसी तीसरे देश में शांति वार्ता की मांग के संबंध में यह याद रखा जाना चाहिए कि भारत सरकार के प्रतिनिधि विद्रोही नागा नेताओं से विदेशों में मिलते रहे और उन्हें शांति के रास्ते पर लाने के लिए कोशिश भी करते रहे। यहां तक कि नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री रहते हुए नागा विद्रोहियों से फ्रांस में मिले थे, जबकि प्रधानमंत्री रहते हुए HD देवगुड़ा भी विद्रोहियों से मुलाकात स्विट्जरलैंड के ज्यूरिख में हुई थी। आप लोग गोरखालैंड का भी कई बार मुद्दा सुनते रहते हैं, समझ गए? पश्चिम बंगाल में भी आप लोग कई बार ये मुद्दा उठता हुआ दिखाई देता है। एक बात और आपको याद रखिए, इस तरह की अशांति अगर हमारे देश में होती है तो बाहरी देश इनकी मदद भी करते हैं, और बाहरी देश आप कहिए कि हमारे यहाँ अशांति फैलाने के लिए कई इन्हें उपकरण कई तरह से मदद भी करते हैं। आप सोचिए कि चाइना, वहाँ जम्मू कश्मीर में इतनी, मतलब आप सोचिए इतनी बुरी हालत क्यों रहती? आप सोचिए अगर भारत की प्रति आपकी एक तरह से भक्ति है, राष्ट्रवादी है, राष्ट्रवादिता है, और आप कहने का मतलब है कि आप देश प्रेम दिखाना चाहते हैं, तो मुझे नहीं लगता है कि आपका भारत सरकार क्या कर रही है उससे कोई मतलब नहीं। आपको दिखाने की जरूरत नहीं है, किसी सरकार को आपको प्रमाण देने की जरूरत नहीं है कि हम भक्ति कर रहे हैं। किस बात की भक्ति का प्रमाण दें हम? हमें किसी से लेने की भी जरूरत नहीं है। लेकिन आप देखते हैं कि जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान हो फिर चाइना हो, इन लोग ये जब भी मदद करते हैं, यहाँ के लोग कई लोग बहकावे में आकर गलत रास्ता चुन लेते हैं और हमारे देश की अखंडता एकता को नुकसान भी पहुंचाते हैं। आप सोचिए कि अगर ये राज्य जो जम्मू कश्मीर है या नागालैंड, असम, आपका कोई भी राज्य हो, वहां की जनता आप सोचिए कि दिल्ली की जनता जैसी हो, आपकी उत्तर प्रदेश जैसी हो, बीच में आपका सब शांति है, कोई नहीं, हमारे देश से बढ़कर कुछ नहीं हमारे लिए, तो आप सोचिए देश में कहीं दंगे नहीं होंगे, कहीं आपको इस तरह की घटनाएं देखने को नहीं मिलेंगी। आप दूर ही छोड़िए, संसद हमला होता है, आतंकी हमला होता है संसद पर, इसमें आप क्या कह सकते हैं कि बाहरी देश, बाहरी लोगों ने ही आकर यहाँ एक तरह से वो दंगा कर दिया या आप सोचिए कि हमला कर दिया? ये संभव कभी नहीं है। जब तक कि घर के ना मिले हों तब तक किसी भी कंडीशन में संभव नहीं, चाहे बम्बई अटैक का हो, कहीं का भी आपका हो, तो ये भी समस्या आपको देखने को मिलती है। अब ये देखिए, नागा जो समूह है ये एक तरह से असंतुष्ट है, भारत के संविधान को नहीं मान रहा है, तो
तो क्या करेंगे कि चाइना इस मूड में बैठा ही रहता है हमेशा, कि भारत के बारे में एक तरह से आपका पड़ोसी नहीं होता है कि जो सोचता है कि एक मौका मिले किसी भी तरह से इसे बर्बाद करने का, इसे नीचा दिखाने का, तो उसी लाग में हमेशा चाइना भी बैठा रहता है। ये हैं आपके इनके नेता। नागा विद्रोहियों की मांगों की बात करें तो 1980 के दशक में नागा अलगाववादी आंदोलन को एक नई ऊर्जा मिली, क्योंकि 1980 में नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड इजाक मुइवा मुइवा नामक हिंसक अलगाववादी गुट का गठन किया गया, और इसके प्रमुख नेताओं में इजाक और मुइवा शामिल थे, और इसने नागा विद्रोहियों की पुरानी मांगों को पुनर्जीवित किया, और यह मांगें आज भी बनी हुई हैं। इन मांगों को में शामिल है आपकी नागा बहुल वाले इलाके, असम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर में रहने वाले नागाओं के क्षेत्रों तथा म्यांमार के रहने वाले नागाओं के क्षेत्रों को मिलाकर ग्रेटर नागालैंड का निर्माण करना, पृथक नागा संविधान की मांग, पृथक नागा झंडे की मांग, पृथक नागा मुद्रा को चलाने की मांग, और नागालैंड में बाहरी लोगों के प्रवेश पर नियंत्रण आदि शामिल है। एक तरह से इनकी ये विरोध क्यों कर रहे हैं इन्हीं मांगों को लेकर? देखिए, एक बात हमेशा याद रखिए कि भारत सरकार को हर हाल में आंतरिक सुरक्षा को ध्यान में रखना चाहिए। ये सबसे बड़ी, बाहरी सुरक्षा छोड़िए, आंतरिक सुरक्षा सबसे खतरनाक होती है। आपको आपके दुश्मन से जितना डर नहीं रहता है, जितना आपके घर में कोई आपका दुश्मन बन जाए उससे रहता है। इस बात को आप लोग जानते हैं, ठीक है? नागा समस्या का समाधान कैसे हुआ आखिर होगा? भारत और उसके संविधान ने राज्यों की निजातीय पहचान, स्वायत्तता और संप्रभुता का सम्मान किया है। पिछले 7 दशकों से नागा अलगाववाद का मुद्दा भारतीय संघ की संप्रभुता और अखंडता का ये पर एक प्रश्न चिन्ह के रूप में उपस्थित रहा है। केंद्र सरकार ने इसे निपटने के लिए कई सशक्त बल विशेष अधिकार अधिनियम के प्रावधानों को अजमाया, तो कभी नागा विद्रोही गुटों NSCNIM और NSCN के को प्रतिबंधी समूह घोषित किया, और कभी प्रतिबंध की समयावधि को बढ़ाया। देश के संविधान ने अपने तरीके से 5वीं अनुसूची और अनुच्छेद 371 के जरिए नागालैंड की सामाजिक, सांस्कृतिक और प्रशासनिक स्वायत्तता के प्रावधान भी किए हैं। अनुच्छेद 371A को संविधान में 13वें संविधान संशोधन के बाद 1962 में जोड़ा गया था। ये अनुच्छेद नागालैंड के लिए विशेष प्रावधान भी करते हैं। इसके मुताबिक भारतीय संसद बिना नागालैंड की विधानसभा की मंजूरी के नागा धर्म से जुड़ी हुई सामाजिक परंपराओं, पारंपरिक नियमों, कानूनों, नागा परंपराओं द्वारा किए जाने वाले न्यायों और नागाओं की भूमि संबंधी मामलों में कानून नहीं बना सकती। सीधा सा कहने का मतलब है कि यहाँ की विधानसभा की मंजूरी लेनी होगी। इसी अनुच्छेद के तहत नागालैंड के त्वेन सांग जिले को भी विशेष दर्जा मिला है, और नागालैंड सरकार में त्वेन सांग जिले के लिए एक अलग मंत्री और 35 सदस्यों वाली स्थानीय काउंसिल भी बनाने का प्रावधान है। लेकिन इन सबके बावजूद नागा पृथकतावाद की मांग थमी हुई ऐसा नहीं है, लेकिन निजातीय राष्ट्रीयता को चुनौती देने लगी यह भी जायज नहीं है। जो हम लोगों ने देखा है ना, ये बात कर रहे हैं, ये सभी मिलाकर इतना बता रहे हैं। ये नागा अपने नागालैंड को तो बता ही रहे, असम का हिस्सा भी है इसमें, मणिपुर का भी है, म्यांमार का भी है, अरुणाचल प्रदेश का भी है, इतने को लेकर बता रहे हैं, कह रहे हैं कि इतना हिस्सा है हमारा। जम्मू कश्मीर हो या फिर नागालैंड, दोनों ही भारतीय संघ के अभिन्न अंग हैं। ऐसे में साझी संप्रभुता, पृथक संविधान और झंडे की मांग स्वीकार नहीं हो सकती है। केंद्र सरकार नागालैंड में समावेशी विकास की योजनाओं अवसंरचनात्मक विकास और सांस्कृतिक स्वायत्तता को सुनिश्चित करने के लिए ऐसे नागा समूह की पहचान कर सकती है जो अपेक्षाकृत उदार हो और भारतीय संघ के भीतर मिलने वाली स्वायत्तता को साहस स्वीकार करें और उसके समूचे नागालैंड में प्रसार के लिए भूमिका भी बनाए। नागा गुटों के साथ वर्ष 2014 में माकरी 2015 में जो समझौता हुआ उसमें वर्ष 2017 में एक नया मोड़ तब आया जब सरकार ने इनको इसमें नागा नेशनल पॉलिटिक्स ग्रुप यानी कि NPG गुटों को भी एक पक्ष के रूप में शामिल कर लिया। भारत सरकार ने जिस तरह से असम में बोडो एकॉर्ड और त्रिपुरा में और मिजोरम के बीच ब्रू जनजाति के विवाद समाधान के लिए विविध पक्षों को विश्वास मिल गया है,
उसी प्रकार नागालैंड के मामले में भी सरकार को यथासंभव गैर आक्रामक हुए बगैर समस्या के समाधान के बिंदुओं की तलाश करनी चाहिए। लेकिन नागा समस्या का समाधान केवल केंद्र सरकार की गुड़ बिल से ही नहीं हो सकता है। इसके लिए नागा विद्रोही समूहों को शांति और विकास का मार्ग चुनना होगा, क्योंकि भारत सरकार असम, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश और के इलाकों को विघटित कर उनका पुनर्निर्धारण कर पृथक नागालैंड देश के लिए किसी भी कीमत पर नहीं सोच सकती है, और इसलिए पृथक संविधान और झंडे की बात नहीं मानी जा रही है। ऐसे में नागा विद्रोहियों के पास भारतीय संघ के तहत सीमित स्वायत्तता लेने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचता। एक बात और आपको याद रखनी चाहिए, हमारे किसी राज्य को ये शक्ति कभी नहीं है कि वो अलग से देश या भारत से अलग हो जाए। इसलिए समझदारी यही है कोई भी राज्य कि विशेष राज्य का दर्जा ले ले, या फिर आप कहिए कि कुछ स्पेशल शक्ति मिल जाए और इज्जत बनी रहे। ठीक है, उसी तरह से है कि आपके परिवार का एक हिस्सा है आप, आपके पास ऑप्शन नहीं है कि परिवार से अलग हो जाए आप लोग। ठीक है, ये अलग बात है कि इतना कर सकते हैं कि परिवार में आपको थोड़ी ऊंची इज्जत देने लगे, ऊंचा कद हो जाए आपका। ठीक है, तो इस तरह की नागा समस्या जो भी रहती है आपकी, इस तरह के जो भी टॉपिक रहते हैं चर्चा में, इनमें इनके बारे में सभी पक्षों को जरूर देख लिया करिएगा, क्योंकि इनसे भी डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं आपके।